एक संत महात्मा अपने सफर के दरमियान रास्ते से गुजरते समय एक सुंदर हरे भरे फूलों के खेत को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और वहां रुक जाते हैं। महात्मा अपने काम में व्यस्त किसान को मिलते हैं और कहते हैं, अरे वाह, ईश्वर ने तुम्हें इतना सुंदर मंत्रमुग्ध करने वाला खेत वरदान के रूप में दिया है, तुम्हें उसका आभार मानना चाहिए। किसान उत्तर देता है, हाँ, ईश्वर ने मुझे यह सुंदर खेत वरदान के रूप में दिया है और इसके लिए मैं प्रभु का बहुत आभारी हूँ, परंतु यह खेत आपको उस वक्त देखना चाहिए था जब वास्तव में यह सिर्फ भगवान के भरोसे था। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने सारे काम भगवान के भरोसे नहीं छोड़ने चाहिए, बल्कि हमें हमारे हर काम में बेस्ट देते रहना चाहिए। क्या पता भगवान हमारे भरोसे बैठा हो। दोस्तों, आपका आशीर्वाद हम पर बनाए रखें। आपको ये बातें काम की लगी हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे इस प्रकार की काम की वीडियो आपको मिलती रहे। दोस्तों, आप जीवन में खुश रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें और ढेर सारी प्रगति करें, ऐसी हमारी दिल से शुभकामनाएं।